समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से। संसार में व्याप्त बुराइयों और विषमताओं के सुधार के प्रयत्न क्यों सफल नहीं होते हैं? समाधान। संसार में बुराइयां और विषमताएं रहेंगी ही, उनका सर्वथा अभाव कभी भी नहीं हो सकेगा। सतयुग में भी नहीं हो सका था। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका सरीखे असुर सतयुग में भी पैदा हुए थे। संसार में फैली हुई अनेक विषमताओं और विफलताओं को पूर्णतः बदल सकना, सुधार सकना अपने बस की बात नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक यह प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में फैली बुराइयों का सुधार हो, दुष्टताओं का दमन हो। इस प्रयत्न के लिए अनेक ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, योगी, संत, सुधारक तथा अवतारी आत्माओं के समय समय पर अवतरण होते रहते हैं। उनके प्रबल परिश्रम से बहुत कुछ संतुलन भी कायम किए गए, पर यह स्थिति देर तक नहीं रही। फिर विकृतियाँ उभरी, फिर उनको संभालने महापुरुषों को आना पड़ा। यह क्रम चलता ही रहता है। कुत्ते की पूंछ की तरह यह दुनिया ऐसी ही है कि बार बार सीधी करने पर भी हाथ से छूटते ही फिर टेढ़ी हो जाती है। पुस्तक समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से, पृष्ठ 76। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।